सहारनपुर के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ कृषि मंत्री व प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलन एवं मोक्षायातन के छात्रों ने नृत्य योगा से किया। पद्मश्री विभूषित योग आचार्य भारत भूषण ने योग के कई आसन करवाए और उनकी उपयोगिता भी समझाई। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने योग को राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आवश्यक बताया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसएसपी समेत कई अधिकारी व विभिन्न विभागों, विधाओं सहित नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों सहित हजारों लोगों ने योग में भाग लिया। योगा तो वैदिक काल से हो रहा है और हमारी परंपरा बहुत पुरानी है और ऋषियों मुनियों ने इस योग के माध्यम से अपने को सदैव स्वस्थ रखा और दुनिया का मार्गदर्शन किया है। योग की विधा धीरे धीरे जो है वो लुप्त हो रही थी और हमारे तमाम इस आधुनिक वर्तमान काल में हमारे जो योग गुरु आदरणीय पद्मश्री भारत भूषण जी हैं, रामदेव जी महाराज हैं, उन लोगों ने जो पतंजलि जी महाराज की या याज्ञवल्क ऋषि की उन परंपराओं को फिर से लोगों तक पहुंचाने का काम किया और उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको विश्व पटल पर संपूर्ण विश्व के भीतर जो भारत का यह एक अपनी विशिष्ट विधा थी उसको उन्होंने वहां पर जो है वो मान्यता प्रदान करके आज पूरी दुनिया उस योग को कर रही है। हम लोगों ने भी बचपन में वैज्ञानिक तरीके से तो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि योग भी एक विज्ञान है और इस विज्ञान के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, मन में शांति रखी जा सकती है, अनेक तनावों से दूर रहा जा सकता है। तो मैं भी पिछले 8-10 वर्षों से तो कर ही रहा हूँ जैसे, और हम लोगों की उम्र में तो और ज्यादा आवश्यकता होती है, बचपन से किया जाए तो मैं समझता हूँ कि 70-80% बीमारियां दूर की जाई जा सकती है। पहले से जो करना शुरू कर देगा, आज की हमारी जो बालावस्था की पीढ़ी है यदि उसने इस काम को शुरू किया तो मैं समझता हूँ कि जो भारत को स्वस्थ बनाए जाने का, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो संकल्प है उसको भी पूरा किया जा सकेगा। कितना योगा जरूरी है? बहुत जरूरी है। राजनीति तो तनाव से और रोज के उथल पुथल से भरा हुआ परिवेश होता है और ऐसे परिवेश के लिए मन के भीतर शांति और समाज के भीतर सद्भाव पैदा करने के लिए योग बहुत जरूरी है। जैसा अभी महाराज जी ने कहा और मोदी जी भी बराबर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, हर आदमी जो है इसका लाभ उठा सकता है और अपने को स्वस्थ बना सकता है।